हे ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है वॉइस आ रही है या नहीं आप बताते रहना फिर स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस और वेट करेंगे दो मिनट राइट ओके इसको रेड मोड में डाल देंगे सभी लोग आ चुके होंगे वॉइस क्लियर आ रही है कमेंट बॉक्स में बता दो ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज डिस्कशन और सभी लोग अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लो एट थर्टी थ्री से हम अपना स्टार्ट करेंगे लाइव हिंदू न्यूज पेपर अट्ठाईस अक्टूबर की जितनी भी न्यूज है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे राइट ट्वेंटी एट अक्टूबर की राइट सब लोग आ जाइए लाइव गुड मॉर्निंग टू ऑल भास्कर सर प्रणाम गुड मॉर्निंग भास्कर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज डिस्कशन सबसे पहले जान लेते हैं आज की न्यूज कौन कौन सी आई है देखिए डेली के बेसिस पर कंप्लीट न्यूज पेपर एनालिसिस करते हैं कंप्लीट पेपर को आ, जो है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर डिस्कस करते हैं दूसरा मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग भी की जाती है पर्टिकुलर और सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो कौन कौन सी न्यूज जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं द हिंदू में राइट right. सबसे पहले जो न्यूज है वह सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी सेटअप जो एग्जामिन करने के लिए जो एलिगेशन लगाए थे सरकार पर उसके लिए राइट right. इसको डिस्कस करेंगे दूसरा जो न्यूज है एल से रिलेटेड है चाइना अपना एक नया कानून लेके आया है चाइना एक अपना नया कानून लेके आया है एल के लिए पर्टिकुलर एल की जब मैं बात करता हूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बारे में बात की जाती है उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा सेंटर चाहता है कि बर्थ और डेथ के डेटाबेस क्रिएट करें मुलापेरिया डैम वही केरला वाला है फिर से यहां पर डिस्कस किया गया इंडिया चाहता है कि हम जो नई वैक्सीन लगाएं उसमें हम लोन लें एडीबी और ए से एशियन डेवलपमेंट बैंक से और दूसरे बैंक से इसकी शेयर होल्डिंग जानेंगे क्या क्या शेयर होल्डिंग इसमें पर्टिकुलर है ठीक है चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स कुछ एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे हालांकि देखिए बहुत सारे लोगों का नेट स्लो भी चल रहा होगा तो ट्राई ये करें लाइव में ही क्लिक करें ताकि लाइव आप देख पाए इसको ठीक है बाद में भी इसको देख सकते हैं आप सभी एडिटोरियल को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे राइट यहां पर इंडिया और रशिया के टाइज हैं इंडिया और रशिया में क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में यह पूछा जा सकता है इसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे राइट फ्री क्या है इलेक्शन में इनका क्या रोल है इसको डिस्कस करेंगे यूएन क्लॉस क्या होता है राजनाथ सिंह ने यूएन क्लॉज का क्यों मेंशन किया इसको हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे और सभी लोग लाइव में क्लिक करना पहले ही बता दे रहा हूं ठीक है सब लोग लाइव में क्लिक करोगे तो रिसेंट में आप क्वेश्चन भी पूछते हुए चलोगे और दूसरी चीजें भी राइट right. उसके बाद है देखिए आप सबको पता है अगर यूनाइटेड जो क्लॉज है लॉज ऑन द सी है उसके बेसिस पर पहले इटली से भी हमारा डिस्प्यूट हुआ था तो यूएन क्लॉज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं राइट right. फर्स्ट देखिए हमारी 50% परसेंट जनता को तो पहली कैंपेन मतलब पहली डोज मिल चुकी है पर सेकेंड डोज अभी तक नहीं मिली है तो इसके लिए एक भारत सरकार एक इनिशिएटिव लेके आ रही है हमें क्या करना है अपने पर्टिकुलर हमें अपने पर्टिकुलर बफरिंग हो रही है काफी ठीक है तो ट्राई ये करें यार चलो लाइव में कर लो अभी अभी तो आज का लाइव करते हैं फिर देखते हैं कि यहां पर नेट का इश्यू कैसा चलता है उत्तराखंड में तो आप सबको पता है फिर कल से हम ये ऑफलाइन ही अपलोड करके डालेंगे राइट वर्ल्ड लेवल की न्यूज है इसको डिस्कस करेंगे और फिर है हमारी बिजनेस की न्यूज एनालिसिस पूरा कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है पीआर पब्लिकेशन देखिए यहां पर सर्च बॉक्स में आपको दिखेगा टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है और आपको यहां पर डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेनर आइडिशन यहां पर आपको देखने को मिल पब्लिकेशन के साथ अपनी जो है तैयारी करना तो आप हमारा ईयरली प्लान ले सकते हैं फोर नाइन्टी में और सभी डेली के बेसिस पर इन प्राइवेट करेंट नोट्स से प्राइवेट करंट नोट्स इनसे प्राइवेट स्टडी मटेरियल और प्राइवेट पेड ग्रुप डिस्कशन से आप ऐड कर ले जाओगे जहां पर डेली के बेसिस पर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे राइट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज डिस्कशन और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बफरिंग हो रहा है ठीक है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है बट आज का न्यूज एनालिसिस हम इस बेसिस पे ही करने वाले हैं राइट क्लियर है या नहीं ठीक है ठीक है क्लियर चल रहा होगा वॉइस क्लियर आ रही होगी सभी लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लें ठीक है देखिए अपना नेट का इश्यू भी सही करना है क्योंकि मैंने पर्टिकुलर लाइव के साथ साथ एक डमी दो डमी फोन में लाइव स्टार्ट किया है पर्टिकुलर ताकि बफरिंग का इश्यू आए तो मैं चेक भी कर पाऊं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज डिस्क्रिप्शन उसके साथ साथ आप पीआर पब्लिकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहीं पर लूसेंट की जितनी भी वीडियोस हैं आपको लूसेंड की आ, जीके है प्लस टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिल जाने वाली है यूपीएससी के लिए ठीक है यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी राइट देखें कनेक्शन देख लेते हैं स्ट्रीम एक्सीलेंट कनेक्शन देखने को मिल रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आगे आते रहेंगे चलिए सबसे पहली न्यूज सबसे पहली न्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम पहली है पहली न्यूज अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बताया है कि वो सेटअप करने वाला है कमिटी जो कि एग्जामिन करेगी पैगेस को अब भारत सरकार में पैगेस के एलिगेशन लगे हैं आप सबको पता होगा भारत सरकार में क्या लगे हैं पैगेस के एलिगेशन अब पैगेस है क्या चीज है क्या चीज उससे पहले हम न्यूज डिस्कस करेंगे डिस्कस करते हुए चलेंगे नाउ हुआ क्या बहुत सिंपल सी बात यहां पर कही है कि जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि आप क्या कर रहे हो जर्नलिस्ट के फोन को जर्नलिस्ट के फोन को हैक कर रहे हो सिटीजन के फोन हैक कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा आप नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल की जो सेक्रेट प्राइवेट स्पेस है उसका वायलेट नहीं कर सकते हो ठीक है सेक्रेड प्राइवेट स्पेस है उसका वायलेशन नहीं कर सकते हो ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके साथ साथ सुप्रीम प्राइवेट पैनल बना दिया है एग्जामिन करने के लिए कि या भारत सरकार ने क्या इस पे जो जर्नलिस्ट हैं इवन सुप्रीम कोर्ट के जज स्पाइंग की या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आरवी रविंद्रन उन्होंने टू एग्जामिन एलिगेशन दैट द दे सेंट्रल यूज्ड इजराइली सॉफ्टवेयर पैगेस टू स्पाई ऑन सिटीजन तो अभी का रिसेंट चीज क्या है सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप कर दिया फिर एक कमेटी जो कि एग्जामिन या नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं वफरिंग बफरिंग ठीक है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बफरिंग यहां पर हो रहा है देखिए नेट का इश्यू ठीक है क्या अभी भी बफरिंग हो रहा है ठीक है ये बताइए बफरिंग क्या अभी भी हो रहा है कनेक्टेड है ठीक है क्लियर है या नहीं अब अब ये बताइए आज का क्लियर है या नहीं आई थिंक अब क्लियर है ठीक है चेक भी कर लीजिए आप ये अब क्लियर है यहां पर ठीक है चलिए तो यहां पर ये पूरी बात की गई कि एक कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप कर दिया है यहां पर ठीक है अब इससे पहले बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, के जज हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था बट यहां पर बात की जा रही थी बहुत सारे लोगों ने तो डिक्लाइन कर दिया क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज ठीक है बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज अब ये भी चाह रहे होंगे कि सरकार के अगेंस्ट ना बोले हम सरकार के अगेंस्ट ना बोले और बहुत सारे लोगों ने तो अपने पर्सनल रीजन दे के मना कर दिया कि हम इस पैनल में नहीं आएंगे अब बात यहां पर फिर भी बात यहां पर फिर भी बात यहां पर क्या आती है स्टिल बफरिंग अब बफरिंग नहीं होगी ठीक। क्लियर क्वालिटी ठीक। बढ़ाते हुए चले कल्स देखिए इंटरनेट कनेक्शन तो सही आ रहा है यार ठीक है बफरिंग क्यों शो कर रहा है पता नहीं है हमें लाइव में क्लिक कर लीजिए हो जाएगा ठीक है चलिए अब जल्दी जल्दी बफरिंग के लिए रुकेंगे नहीं वेट नहीं करेंगे पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे बाकी ये फिर जैसे ही ऑफलाइन होगा आपको ये पूरा क्लियर सुनाई देगा ठीक है यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है ओके अब देखिए यहां पर मैं बात ये भी कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो एक यार इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो उसके जजेस को तो डरना नहीं चाहिए सरकार से कि क्या बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो पोलाइटली डिक्लाइन किया बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीजन देके मना किया कि हम इस पर्टिकुलर किस में नहीं आएंगे ग्रुप में नहीं आएंगे किस में पैनल में जो सुप्रीम कोर्ट से डरने वाली है साथ साथ पैगसेस को जान लेते हैं पैगसेस का क्या है जहां पर हमारा ये मूव कर रहा है वहां से देख सकते हैं पैगेस एक मेलशियस सॉफ्टवेयर है ठीक है पैगेस एक मेल्शियस सॉफ्टवेयर है स्पाइवियर है पर्टिकुलर अब ये किसने बनाया है 2010 में इजरायली ग्रुप ने इजराइल का एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप ने बनाया है 2010 में इससे पहले भी पैगस ने अटैक किया हुआ है पैगेस को जीरो क्लिक अटैक भी कहते हैं क्यों 2019 की मैं अगर बात करूं 2019 की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर व्हाट्सएप ने यह कहा था कि अगर 2019 में अगर कोई आपको वीडियो कॉल करता है इवन व्हाट्सएप मिस्ड कॉल भी करता है तो आपके फोन को हैक किया जा सकता है यहां पर किसने कहा ऐसा व्हाट्सएप uh, ने कहा है तो इसको जीरो क्लिक अटैक भी कहते हैं मतलब आप अपने एंड से कोई क्लिक ना भी करो आप अपने एंड से कोई क्लिक ना भी करो तो आपका फोन यहां पर हैक हो सकता है ठीक है तो भारत सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिए हैं क्या इस पर्टिकुलर को रोकने के लिए यह साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव पहला नेशनल साइबर सुरक्षित कोऑर्डिनेशन सेंटर 2017 में और जब भी आप यूपीएससी मेन से लिखो जब भी आप यूपीएससी मेन से लिखते हो तो पर्टिकुलर आपको क्या करना है ठीक है पर्टिकुलर आपको क्या करना है सिर्फ ये ये पॉइंट लिखने ये इनिशिएटिव ठीक है नेशनल साइबर सुरक्षित कोऑर्डिनेशन साइबर स्वच्छता केंद्र इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन ये सब चीजें कोई कानून भी हैं क्या यस आईटी एक्ट 2000 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ये सब चीजें पैगस के अंदर आती हैं एक और चीज याद रखना है एक बुद्धा कन्वेंशन है जो कि साइबर क्राइम पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसको रोकने के लिए बुद्धा कन्वेंशन बनाया गया है ठीक है क्या भारत उसका सिग्नेटरी है भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है चलिए लाइव पे क्लिक कर लीजिए सब लोग कोई वफर नहीं हो रहा है सब लोग लाइव पे क्लिक कीजिए तो वो क्लियर आएगा आप लोगों के उसमें ठीक है अब पूरा क्लियर है नेट का इश्यू भी सही है राइट right. चलिए ये पहली न्यूज हो गई जहां पर हमने ये किया अब दूसरी बात जब भी हम करते हैं तो बात होती है एलएसी की ठीक है बात किसकी होती है एलएसी की यहां पर डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई इंडिया चाइना चाइना हाल ही में क्या हुआ की सरकार ने एक कानून लेके आई चाइना की सरकार एक कानून लेके आई जिसे लैंड बाउंड्री लॉ कहा इस कानून के अंतर्गत जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा एक लॉ पास करती है वैसे ही चाइना की सरकार ने भी एक लॉ पास करने की बात की जिसका नाम बोला गया लैंड बाउंड्री लॉ और इसके तहत चाइना की जो ऑफिशियल्स uh, हैं उनको यह पावर दे दी गई कि आप क्या कर सकते हो एल के पास जितना चाइना का मानना है वो उनके बॉर्डर के अंदर आता है तो वो कॉम्बैट करने के लिए फ्री हैं मतलब उनके जो uh, हैं वो कॉम्बैट कर सकते हैं अगर उनकी uh, जो है बाउंड्री में आए इट ऑल्सो रिफॉर्मड इंडिया रिजेक्शन द चाइना पाकिस्तान 1963 एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान का उन्नीस में एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान ने एक वैली है जो कि अक्साई चीन में है वो चाइना को दे दी थी अब ये तो वैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना वो इंडिया का पार्ट है तो ये कानून इसको भी वेरीफाई करता है कि जो इंडिया नहीं मानता उसको हम रियफॉर्म करते हैं हालांकि इंडिया तो क्लेम करता है पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन इंक्लूडिंग अक्साई चीन वाला उनका है और ये इलीगल और इनवैलिड है ठीक है तो आगे यहां पर न्यूज में पूरा यही बोला जाता है कि जो मैं नए कानून की बात कर रहा हूं जो मैं नए कानून की बात कर रहा हूं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजिंग कुड यूज इट्स न्यू लॉ विच ऑथोराइज द स्टेट टू कॉम्बेट एनी अटेम्प्ट ऑन इट्स लैंड बाउंड्री ये देखिए मैंने अभी बोला चाइना जो एक नया कानून लेके आया है उसमें बीजिंग को ये ऑथोराइज करता है कि आप क्या करें जितने भी लैंड बाउंड्रीज हैं आप कॉम्बेट होने के लिए तैयार करें ठीक है आप ट्रुप जो है अगर यहां पर हमारे बाउंड्री में ये आते हैं तो आप कॉम्बेट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशन इम्पैक्ट हो सकता है भारत में भी और मैं कहूंगा भारत को भी सिमिलर एक लॉ लेके आना चाहिए जहां पर बात की जाए कि अगर उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री में इंटरवीन हुआ तो वो भी कॉम्बैट कर सकते हैं वो भी कॉम्बैट कर सकते हैं हालांकि हम अपनी स्पीच में जो हमारे मिनिस्टर होते हैं अपनी स्पीच में बोलते हैं बट एक स्ट्रेचुरी बैकिंग वाला लॉ हमें भी लाना चाहिए बात करते हैं आप एलएसी की एलएसी है क्या ठीक है एलएसी क्या है देखिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करूं तो तीन किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच में और जो मैकमोहन लाइन है पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं ठीक है इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है मैकमोहन लाइन है जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिमारकेट करता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिमार्केट यहां पर करता है ओके अब होता क्या है पहले से ही चलता आ रहा है 1913 में जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हेडकॉल्टे ट्राई पेट्राइट कॉन्फ्रेंस इन विच बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत वॉज फॉर्मुलाइज आफ्टर डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत अब उसमें तिब्बत पर कोई ऐसा चाइनीस का कब्जा नहीं था उन्नीस में एक बात होती है कि इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री कहां से सेटअप होनी चाहिए ठीक है बट जब 1913 वाला ये डिस्कशन होता है जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो चाइना इसको इलीगल मानता है वैसे ही उन्नीस में क्या हुआ ठीक है अलग अलग आपके फेज के साथ इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट हैं वो बढ़ते गए इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट हैं वो हमारे बढ़ते देखने को मिले सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर उन्नीस की चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया अक्साई चीन वहां से एक रोड बना दी ठीक है चाइना ने क्या ऑक्युपाई कर लिया है एक अक्साई चीन और वहां से रोड बना दी पर्टिकुलर ठीक है उसके बेसिस पर उन्नीस में एक युद्ध भी हुआ और जो आर्मी ऑफिसर उस लाइन तक पहुंचे थे वहां पर एल डिमार्केट कर दी गई ठीक है क्या इससे पहले भी इंडिया और चाइना के बीच में आ, जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की गई पर्टिकुलर यस 1987 में और फिर 1988 में खुद राजीव गांधी जी चाइना गए और जॉइंट वर्किंग ग्रुप उन्होंने सेटअप किया ठीक है 1993 में भी हुआ 1996 में भी हुआ यह एग्रीमेंट कौन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर वाला कि एक दूसरे पर दोनों ट्रस्ट करेंगे तो डिस्प्यूट ना हो ठीक है मैं एक और चीज बताऊंगा हर चीज के पर्टिकुलर जितने भी न्यूज हैं उस पर्टिकुलर चीज के यूपीएससी में कैसा पूछा जा सकता है तो एल वाला क्वेश्चन है ना तो यूपीएससी में जनरल स्टडीज पेपर टू में यह पूछा जा सकता है आई में इंटरनेशनल रिलेशन में और वो भी एल की बात कर रहे हैं ठीक है एल में डायरेक्ट आएगा एक तो जोग्राफिकल लोकेशन पूछी जा सकती है कहां पर है ठीक है दूसरा आपका फैक्ट पूछा जा सकता है इंडिया और चाइना के बीच में कितनी बाउंड्री है किससे टच करता है ये सब चीजें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं ठीक है चलिए आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या है हाँ सेंटर चाहता है कि वो बर्थ और डेथ के डेटाबेस क्रिएट करें और वो चाहता है कि 1969 का जो कानून है जिसके बेसिस पर मेंटेन करना पड़ता है किसी भी सरकार को उसमें कुछ सुधार लाएँ और पर्टिकुलर एक डेटाबेस क्रिएट करें अब इससे क्या होगा डेटाबेस क्रिएट करके बर्थ और डेथ का ये तो इवन चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी के साथ भी वहाँ पर होता था जब मौर्यन डायनेस्टी की मैं बात करूँ तब भी ये डेटाबेस क्रिएट किया जाता था ठीक है जब भी मौर्यन डायनेस्टी की हम बात करते हैं क्यों इससे पर्टिकुलर पॉलिसी पता चल जाती है कितने लोग हैं वो पता चल जाते हैं जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है वो डायरेक्टली हिट कर सकती है अगर सेंटर चाहे तो ठीक है तो इसलिए बर्थ और डेथ का डेटा क्रिएट किया जाता है ठीक है अभी भी बफरिंग तो नहीं हो रही है ठीक है बफरिंग आई थिंक नहीं हो रही है कि जितने लोग भी देख रहे होंगे बफरिंग नहीं हो रही है ठीक है ट्राई ये करना बफरिंग अब नहीं हो रही है ठीक है चलिए तो यहां पर से क्या है तो हमेशा डेटा बेस यहां से एक मेन्स की चीज पता चलती है जितना भी हम डेटा क्रिएट करते हैं उससे क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेम हो सकती है वेलफेयर स्कीम जो है फ्रेम हो सकती है पर्टिकुलर ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जोग्राफी की जब भी हम जोग्राफी की बात करते हैं इसमें पर्टिकुलर तो ये लोकेशन पूछ लिया करता है तो क्या पूछा जाता है लोकेशन पूछ ली जाती है आप देखेंगे यहां पर मुल्ला पेरियार वाटर लेवल ठीक है मुल्ला पेरियार वाटर लेवल अब यहां पर से मुल्ला पेरियार जो डैम है अगर मैं बात करूं मैप दिखाऊं आपको शो करूं तो ये है केरला में ये है केरला में ठीक है मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है केरला में है ओके ये देखिए केरला में है बट इसको मेंटेन कौन करता है तमिलनाडु मेंटेन करता है मुल्ला पेरियार डैम कहां पर है केरला में है इसको मेंटेन कौन करता है तमिलनाडु इसको मेंटेन करता है तो इसके चलते हुए ही यहां पर यह बताया गया है कि तमिलनाडु अभी कहता है 142 जो है फीट करनी चाहिए इसकी हाइट मुला पेरियार में केरला कहता है 139 करनी चाहिए बट आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है हालांकि एक डैम का जब भी बारिश हो बहुत सारी बारिश हो जाए ठीक है जब भी बहुत सारी बारिश होती है तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपको डैम की जो हाइट है जो वाटर लेवल है उसको ठीक करना पड़ेगा ठीक है उसको ठीक करना पड़ेगा क्यों क्योंकि डायरेक्टली आप पे क्या होता है जो सिटीजन है उनको रिस्क आएगा तो यहां पर फिर एनडीआरएफ की टीम ये सब आती है बट मेजर क्वेश्चन क्या है इस पूरी न्यूज से कि मुला पैरियार जो डैम है वो कौन से राज्य में पड़ता है डायरेक्टली यूपीएससी मीन्स प्रिलिम्स फैक्ट पूछा जाता है तो आंसर है केरल क्या है आंसर केरल है मुला पैरियार डैम कहां पर है केरल में है डैम कहां पर है केरल में है और इसको कंट्रोल कौन करता है तमिलनाडु मेंटेन करता है क्योंकि केरल केरल के जो न, केरल के जो जो साउदर्न साउदर्न डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है ना ये वाले ठीक है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं केरल के वो तमिलनाडु के यहां पर जो इड्डुकी मुला पैरियार डैम आता है वहां पर इसलिए तमिलनाडु मेंटेन कर रहा है उसको ठीक है तो आई थिंक यहां पर से ये क्लियर हो गया होगा ओके चलिए अब बात करते हैं सेकंड न्यूज की तो अभी तक हमने जितनी भी न्यूज करी हैं आज पहला लाइव था तो थोड़ी सी बफरिंग भी हो रही थी इनिशियल में बट हम आगे ये इंश्योर करेंगे कि बफरिंग ना हो तो तीन न्यूज हमने पढ़ ली है अब नेक्स्ट न्यूज है इंडिया सिक्स वैक्सीन लोन फ्रॉम ए और ए भारत सरकार ने सबसे पहले तो यार सौ करोड़ वैक्सीन लगा दी सभी लोगों को बधाई आप लोगों को भी मतलब वन बिलियन डोजेस लगाना बहुत बड़ी बात होती है भारत की पॉपुलेशन 2.2 2.3 बिलियन तक है यानी कि 50 परसेंट जो जनता है हमारी उनको पहली वैक्सीन की शॉट लग चुकी है पहली वैक्सीन की शॉट हमारी जनता को लग चुकी है और अभी भी 50 परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन ही नहीं लगी ठीक है डेटा क्या कहता है डेटा बहुत सिंपल कहता है डेटा क्या कह रहा है हमारा कि सौ करोड़ वैक्सीन तो लग गई है हमारे भारतवासियों को पहली बात करूं तो पचास ही ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी हुई है पचास परसेंट हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी है मैं कहूंगा दूसरी बात करूं तो इक्कीस परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगी हुई है जिनको सेकेंड डोज लगी हुई है इस केस में ये एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि पूरी तरह आपको यहां पर इम्यून नहीं किया गया है ठीक है तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर सकती है या आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि यार 50 परसेंट लोगों को पहली डोज लगी है 21 परसेंट लोगों को सेकंड डोज लगी है तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे मैं कहूंगा हर घर दस तक हर घर दस तक मतलब घर घर जाके पूछना चाहिए और लगाना चाहिए उनको इंजेक्शन सेकेंड डोज लगानी चाहिए अब ये कैंपेन है तो आप क्या कहोगे अपने इंटरव्यू में या मेंस में आंसर क्या लिखोगे सॉल्यूशन? कि आपको क्या करना चाहिए कैंपेन शुरू करनी चाहिए हर घर दस्तक और ऐसी ही कैंपेन दिल्ली सरकार ने भी शुरू अभी

बड़ा शेयर होल्डर है वो अभी कंसिडर कर रहे हैं कि भारत को लोन दें ताकि वैसे ए आई कर रहा है भारत को अभी लोन देना। तो अब यहां से दो चीजें हमारे क्लियर हो जाती है दो चीजें हमारे यहां पर क्लियर होंगी एक होता है एडीबी और ए आई आई बी एशियन डेवलपमेंट बैंक जान लेते हैं कब बना था 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था कब बना था 19 दिसंबर 1966 को डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है दूसरा कितने मेंबर हैं इसमें अड़सठ मेंबर हैं और उनपचास तो एशिया से भी हैं ठीक है ठीके? पांच लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं ज्योति मेहता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ज्योति ठीक है गुड़ मौनिंग, गुड़ मौनिंग कितने शेयर होल्डर हैं पांच लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं जापान यूएस ठीक है चाइना इंडिया ऑस्ट्रेलिया किसमें एडीबी में और इसका हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस ठीक है इससे ज्यादा आपसे डायरेक्टली इससे नहीं पूछा जाएगा वैसे यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इससे भी भारत कंसीडर कर रहा है कि पर्टिकुलर हम क्या लें लोन लें तो ये देता भी है इवन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो इंडिया की बहुत सारे प्रोजेक्ट में ए हेल्प करता है ये एक मल्टीलैटरल बैंक है जिसका मिशन है जो एशिया में सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको इंप्रूव करना ये सबसे बड़ा इसका मोटो है ये किया गया था आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट दिसंबर 25 2015 में जो कि एक मल्टी लेटरल ट्रिटी है मतलब देश आते हैं मिलके ये फिक्स करते हैं टोटल ए आई आई बी के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं ये भी आपसे पूछा जाता है सत्तावन फाउंडिंग मेंबर हैं मतलब सत्तावन देश आए सत्तावन देश आए और मिलकर इन्होंने ए आई आई बी बनाया कब 2015 हजार पंद्रह में हेडक्वार्टर कहां पर है बीजिंग में है जिसने अपना ऑपरेशन शुरू करना शुरू किया दो हजार सोल से हेडक्वार्टर यहां पर बीजिंग में है यहां का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है यह आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ठीक है मेंबर्स 97 तक बढ़ चुके हैं दूसरे मेंबर्स भी हैं इसमें एनुअल मीटिंग की जाती है सबसे पहले तो पहली मीटिंग सिंपल सी बात है 2016 में हुई बीजिंग में ही हुई राइट और उसके साथ साथ मेंबरशिप किसके लिए ओपन है मेंबरशिप इन ए आई आई बी ओपन टू ऑल मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर एडीबी वाले मेंबर चाहते हैं या वर्ल्ड बैंक वाले मेंबर चाहते हैं तो ए आई आई बी में आप ज्वाइन हो सकते हो ठीक है ये आपका हमने डिस्कस कर लिया चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं देखिए बफरिंग अब नहीं हो रही है अब पूरा ये क्लियर देखने को मिल रहा है बफरिंग एक भी नहीं देखने को मिल रही है अभी ठीक है बफरिंग नहीं है तो आप डायरेक्टली लाइव में जाइए क्लिक कीजिए बफरिंग एक भी नहीं है ठीक है चलिए हमने चार न्यूज कर ली अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की एडिटोरियल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वही है पैगस से रिलेटेड जो एडिटोरियल है वो किससे रिलेटेड है पेगासस से रिलेटेड है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली में हमने देखा घिसा पिटा न्यूज दरमियान सिंह गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग दरमिया ठीक है तो हम यहां पर बात यह करते हैं कि पैगसेस की अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि एक पैनल बनाना चाहिए एक पैनल बनाना चाहिए जो कि चेक करेगा जो इसराइल का स्पाइवियर है पैगेस मेलशियस सॉफ्टवेयर है पैगेस क्या भारत सरकार ने वो खरीदा या नहीं क्या भारत सरकार ने हमारे सिटीजन पे जर्नलिस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जज पे और बहुत सारे न जाने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर के फोन हैक किए गए हैं लगभग पचास हजार फोनों को हैक किया गया है अब सरकार हमारी भारत सरकार डिनाई कर रही है हमारी भारत सरकार क्या डिनाई कर रही है पर्टिकुलर कि क्या यह पैगसेस यूज किया या नहीं पैगसेस यूज किया या नहीं ठीक है तो सरकार ने कहा कि हम पैगसेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर आप किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट स्पेस को वायलेट नहीं कर सकते तो यह एक अच्छा डिसीजन नितेश कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है तो 50000 से ज्यादा फोन हैक कर लिए गए सुप्रीम कोर्ट का अभी का रिसेंट किया है एक पैनल बनाया गया है जो कि अल्टीमेटली चेक करेगा अल्टीमेटली क्या चेक करेगा आपका पर्टिकुलर कि पेगासस यूज किया या नहीं दूसरा जैसा मैंने बोला सिक्योरिटी uh, कंसीडरेशन के बेसिस पर नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर आप किसी सिटीजन के प्राइवेट स्पेस को वायलेट नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा यार ये सुप्रीम कोर्ट का बेस्ट डिसीजन रहा जो कि इंटरव्यू किया देखिए नहीं तो यार सरकार ऐसे, ऐसे ऐसे कानून लाती है जिस पर ये बोलती है कि हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है इस पर हम ये रिवील नहीं कर सकते या इसमें हमें हैक करना ही पड़ेगा ठीक है ऐसा सरकार कभी कभी कानून लेके आती है तो मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि कोर्ट जो अभी उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप किसी सिटीजन का प्राइवेट स्पेस वॉलेट नहीं कर सकते मतलब जो है एप्सल्यूट नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे किसी के प्राइवेट स्पेस को चेक करना एप्सल्यूट नहीं है ठीक है आपको यहां पर लिमिटेशन देखनी पड़ेगी सभी लोगों के अपने कंसर्न होते हैं अब यहां पर को कोर्ट ने ये बोला इसी को ओरवेलियन कंसर्न ओरवेलियन कंसर्न क्या होता है अब डायरेक्टली यूपीएससी फिलिम्स में क्या पूछा जाएगा ओरवेलियन कंसर्न क्या है जब ओपन सोसाइटी ओपन सोसाइटी या वेलफेयर प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन देखने को मिला तो उसे कहते हैं ओरवेलियन कंसर्न ठीक है ओरवेलियन कंसर्न क्या कहते हैं जब ओपन सोसाइटी लोगों के हितों को मारा जा रहा है लोगों के हितों को एक्सप्लोएट किया जा रहा है तो उसी को कहते हैं ओरवेलियन कल्चर जिसमें क्या किया जाता है रिकॉग्नाइजिंग दैट इंक्लूसिव सर्विलांस नॉट ओनली वॉलेट द राइट टू प्राइवेसी मतलब जो सर्विलांस किया जा रहा है फोन को हैक किया जा रहा है राइट टू प्राइवेसी को तो वॉलेट करता है बट उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी वायलेट करता है ठीक है तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अब बात जब पैनल अपना फैसला सुनाएगी तब हमें समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर क्या सरकार ने यूज किया था या नहीं किया था ठीक है बट इन केस से एक तो मतलब एक पूरी चीज समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टली बोल दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर नेशनल ये स्टेटमेंट दिया नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो प्राइवेट स्पेस है आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हो मतलब नेशनल सिक्योरिटी का जो रीजन है नहीं होगा ठीक है अब यूपीएससी प्रीलिम्स अगले बार पक्का ऐसा क्वेश्चन बनाएगी क्या नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट स्पेस को वायलेट किया जा सकता है या नहीं ठीक है तो यहां पर अभी हम बेस्ट डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला अब पैगस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये वाला तो हम यहां पर कर चुके हैं जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है यहां पर आपको डेली के ये लाइव का लिंक मिल जाएगा दूसरी यूपीएससी मेन्स आंसर राइटिंग का लिंक मिल जाएगा अब बात करते हैं हम सेकेंड की हुआ क्या अभी बहुत सारे ऐसे ब्रांड देखने को मिले बहुत सारे आपको ऐसे ब्रांड देखने को मिलेंगे जहां पर एड चलाए जाते हैं जहां पर क्या कराए जा रहे हैं एड चलाए जा रहे हैं अब हमारी यार 138 करोड़ की जनता है और डायवर्सिटी तो पूछो मत क्या है कास्ट अलग अलग क्लास जेंडर लैंग्वेज धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं ठीक है तो अभी यहां पर यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑफेंस हो जा रहे हैं प्रणति मेरा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रणीता ठीक है अब मैं बात करूंगा अभी हुआ क्या यहां पर दो कंपनी के एग्जाम्पल दिए हैं एक कंपनी है फब इंडिया या फैब इंडिया एक दूसरी कंपनी है डाबर अब उन्होंने हाल ही में कुछ एड जो है स्टार्ट किए और उनको फिर उनको ऑफेंडिंग सेंटिमेंट के वजह से उनको हटाना भी पड़ा ऐसी दो कंपनी में देखने को मिला बात यह आती है कि इससे पहले भी ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक कंपनी ने फैब इंडिया ने अपने जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए वहां पर वर्ड यूज किया जशने रिवाज क्या किया जशने रिवाज अब आप सबको पता होगा उसने तो किया दिवाली के बेसिस पे पर एक बीजेपी का एमपी है तेजस्वी सूर्या उन्होंने बोला लेट द कैंपेन अगेंड फेब इंडिया कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बाइकॉट कि इसका बाइकॉट करो इसके प्रोडक्ट मत खरीदो क्योंकि ए हैश टैग नो बिंदी नो बिजनेस ऑल्सो डिड द राउंड इन प्रोटेस्ट अगेंस द मॉडल्स इन द एड विउ अब जो मॉडल्स थी उन्होंने सिर्फ बिंदी जो है नहीं लगाई हुई थी इसके चलते हुए क्या हुआ बिंदी नहीं लगाई थी तो यहां पर बीजेपी के एम पी तेजस्वी सूर्या ने कहा कि नहीं ये तो बाइकॉट करो इकोनॉमिक बाइकॉट करो तो आपको क्या लगता है जश्न रिवाज या कोई भी कंपनी अब सिमिलर एक और चीज बताता हूं डाबर फैम ब्रांड ने उसको कड़वा चौथ का जो करवा चौथ का वो है पुल करना पड़ा क्योंकि विस टोडे सेम सेक्स कपल ऑब्जर्विंग द रिचुअल्स अब यहां पर तो ये एक तरह से प्रोग्रेसिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना यहां पर बट कुछ लोग समाज में ऐसे हैं सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन क्लेम को डायरेक्टली खारिज करते हैं तो मतलब यार टॉलरेंस दिखानी चाहिए आप इनटॉलरेंस क्यों दिखा रहे हो अगर प्रोग्रेसिव वैल्यूज या हमारे समाज में कुछ अच्छी चीजें फैलाई जा रही हैं एलजीबिलिटी क्यू कम्युनिटी के बारे में फैलाया जा रहा है डाबर ने कितना तगड़ा किया

उनको एडवर्टाइज में यह दिखाया गया कि आप करवा चौथ का रिचुअल करो ठीक है 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 अब ये एक तरह से प्रोग्रेसिव वैल्यू है ना? प्रोग्रेसिव वैल्यू वैल्यू ना राइट टू लाइफ के अंदर आता है। आप किसको अपने पार्टनर को किसको चुनो ये किसके अंदर आता है राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर डायरेक्टली यह आता है तो सेम सेक्स कपल में अगर ये एड दिखाया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसको बाइकउट किया उनको फिर अपना जो एड है वो ड्रॉप करना पड़ा अपना एड है नीचे करना पड़ा तो अब तो तक ये देखने को मिलेगा हमें इवन यहां पर भी ए सीट एंड आमिर खान आस्किंग पीपल नॉट टू बस्ट क्रैकर पटाखे मत जलाओ इस पे भी बाइकआउट हो गया तनिष ज्वेलरी वाला आप सबको पता है हिंदू और मुस्लिम का उसमें अच्छे से वो दिखा रहे थे जो द विड्रॉन वि लास्ट ईयर दैट शोड ए मुस्लिम फैमिली ऑर्गेनाइजिंग हिंदू बेबी शावर रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी एक मुस्लिम फैमिली ठीक है हिंदू डॉटर इन लॉ की ठीक है एक मुस्लिम लड़के की हिंदू से शादी हुई तो उस मुस्लिम ने हिंदू शावर जो है वो रिचुअल परफॉर्म किया मुस्लिम फैमिली ने तो इसको भी बाइकआउट करना पड़ा तनिष्क को यह हटाना पड़ा तो एट द एंड हम ये कहेंगे कि यार इतना ज्यादा जो इंटोलरेंस है टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव वैल्यूज ये कितना सही है और किस हद तक हम इसे चेंज कर सकते हैं या कैसे सही कर सकते हैं मैं तो पहली बात यही कहूंगा कि सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा अवेयर वो भी सोशली अवेयर सोशली अवेयर होना पड़ेगा दूसरा कैंपेन चलाना चाहिए कैंपेन चलाना चाहिए ठीक है कैंपेन चलाए जाएंगे तो पर्टिकुलर जो जैसे हर घर दस्तक है वैसे कैंपेन चलाएंगे तो इससे यूनिटी बढ़ेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी मेंशन है यार भाईचारा तो फ्रेटर्निटी वाला जो शब्द है ये तो इस एडिटोरियल से मेल ही नहीं खाता है ना फ्रेटर्निटी वाला शब्द तो इन चीजों से मेल ही नहीं खाता राइट चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे हालांकि ये श्रीलंका की हिस्ट्री से रिलेटेड है श्रीलंका में अलग अलग प्रेसिडेंट आते हैं और श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस ये क्राइसिस चल रहा है तो अलग अलग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने कैसा कैसा काम किया हमारे उसका नहीं है बट इंडिया और श्रीलंका की जब भी मैं बात करता हूँ इंडिया और श्रीलंका की जब भी मैं बात करता हूं तो क्या होता है एक डिस्प्यूट सामने निकल कर आता है इंडिया और श्रीलंका में एक डिस्प्यूट निकल कर सामने आता है कौन सा है वो डिस्प्यूट कल भी हमने डिस्कस किया था पाक स्ट्रेट में मैं अगर आपको मैप दिखाँ, मैप दिखाऊं दिखाऊं तो जो ये स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट है देखो ठीक है मैं इसको दिखाता हूं ये स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट है जहां पर आपका कर्सर मूव कर रहा है अब तमिलनाडु के फिशरमैन श्रीलंका की ओर चले जाते हैं श्रीलंका के फिशरमैन तमिलनाडु की ओर चले जाते हैं अब श्रीलंका की नेवी ने क्या किया एक फिशरमैन को मार दिया राजकिरण को आपको याद होगा राजकिरण को गोली मार दी अब इस पर क्या हुआ राजकिरण को गोली मार दी तो इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट जता रही है अपना भाई साहब कि क्यों मारी आपने तो श्रीलंका की सरकार का यह कहना है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो बॉटम क्राउलिंग का यूज करते हैं ठीक है बॉटम ट्रॉलिंग का यूज करते हैं जो कि छोटी छोटी मछलियों को मतलब ये ऐसे जाल होते हैं ना ये ऐसे जाल होते हैं पर्टिकुलर में जाल आपको दिखाता हूं ये हमने कल भी किया था इंडिया और श्रीलंका के बेसिस पर तो ये कुछ ऐसे जाल होते हैं जहां पर उसके जो इको सिस्टम है वो भी बिगड़ जाता है तो श्रीलंका हमेशा ये क्रिटिसाइज करती है ठीक है ये देखो ये ये देखिए बॉटम ट्रॉलिंग ठीक है ये अब ये छोटी छोटी मछलियों को भी क्या कर लेती हैं उनका इकोसिस्टम बिगड़ जाता है और इंडिया ये क्रिटिसाइज करती है कि आप तमिलियंस को कंपनसेशन दीजिए आप अगर मार रहे हैं तो तमिलियंस को क्या कीजिए की कंपनसेशन दीजिए ये श्रीलंक ने बोला तो इंडिया और श्रीलंका की कभी भी बात आए तो ये है फिशरमैन का इशू ठीक है जब भी इंडिया और श्रीलंका की हम बात करते हैं वो है फिशरमैन का इशू रहता है राइट चलिए हालांकि इस आर्टिकल को और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना ही इसके आपको नोट्स बनाने हैं ठीक है हमने ये वाला एडवर्टाइजमेंट वाला कर लिया ये डिस्कस कर लिया ना अब बात करते हैं इंडिया और रशिया के बारे में इंडिया और रशिया की जब भी बात की जाती है ठीक है मैं इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो इंडिया और रशिया की जब भी बात करते हैं तो सितंबर में सिक्सथ इकोनॉमिक फोरम ई e -E में रशिया में और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्चुअल उन्होंने मीटिंग की और दोनों ने ही बोला कि इंडिया और रशिया को अब क्या करना चाहिए एनर्जी फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए एनर्जी पार्टनरशिप में काम करना चाहिए किसको इंडिया और रशिया को पहला पॉइंट मोहित कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मोहित ठीक है और इंडिया और रशिया ने अनाउंस किया कि हम 32 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं जॉइंट प्रोजेक्ट में आगे भी हम करने वाले हैं तो इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है एक बहुत बड़ा ठीक है तो जब भी जनरल स्टडीज पेपर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल रिलेशन आईआर ठीक है आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो इंडिया और रशिया के बारे में बात करें तो ये पॉइंट आपको जरूर डालने हैं धीरे धीरे दोनों ग्रीन ट्रांजिशन में भी बात कर रहे हैं एक एग्जाम दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री और रशिया की सिबुर कंट्री की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है दोनों ने मिलकर काम किया ठीक है एक जामनगर गुजरात में एक वेंचर सेटअप किया जहां पर रबड़ भी बनाया गया ठीक है मतलब दोनों ही जो देश हैं मिलके काम अभी कर रहे हैं पर्टिकुलर ठीक है मिलके काम अभी किया जा रहा है देखिए बफरिंग का इश्यू है तो आप उसे पर्टिकुलर बता सकते हैं हमें ठीक है दोनों आप मिलके काम कर रहे हैं अब आगे क्या हुआ एक गुजरात में इंडिया की रिलायंस कंपनी इंडिया की रिलायंस कंपनी और रशिया की सिबुर है और माना जाता है कि जो रशिया की सिबुर है वो अपने आप में ही ठीक है क्या कर रही है सिबुर इज ब्रिंगिंग इंडियन यूनिक टेक्नोलॉजी विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट कॉमर्शियली वो नहीं मिल रही फिर भी सिबुर क्या कर रहा है इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है तो इंडिया में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर टू में इंडिया और रशिया के बारे में आप ये लिख सकते हैं है और हमारी बड़ी हो रही है। तो हम अभी रशिया के साथ मिलकर टाइज ये क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ साथ आगे भी बात की जा रही है कि दोनों ही देश ने एफर्ट्स किए गए हैं रिसेंटली एक माइलस्टोन भी अचीव किया है 100 गीगावाट एनर्जी का इंस्टॉल करना रिन्यूएबल एनर्जी से जिसमें हाइड्रो जो पावर है वो एक्सक्लूड है ना अब हमारा एम है एक सौ पिछहत्तर गीगावाट की रिन्यूबल एनर्जी टारगेट दो हजार बाईस दिसंबर तक ठीक है आगे भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं दिल्ली सरकार ने भी इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है राइट चलिए बट एक हमारा नेगेटिव पॉइंट आता ही है उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी की जब भी बात आती है ना रशिया क्या कर रहा है हमारे सिक्स न्यूक्लियर रिएक्टर जो कुंदाकुलम तमिलनाडु में है उस पर भी काम कर रहा है ठीक है तो डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कुंदा कुाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां है यह है तमिलनाडु में ये कहाँ है तमिलनाडु में यह भी डायरेक्ट पूछा जाता है मैं ये भी बात करता हूं कि अभी इंडिया की मैं बात करूंगा इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो जो कोल है अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी हमारा कोल क्राइसिस देखने को मिला था तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस कोल क्राइसिस से निपटना पड़ेगा कैसे कैसे कोल क्राइसिस रिन्यूएबल एनर्जी कंक्लूजन में भी आप आंसर ये लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए अभी भारत को ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए ठीक है चलिए इंडिया और यूएस के बारे में आ गया तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं कुछ ये पूरे डिटेल में और किसी को ये हाईलाइटेड ये चाहिए होगा ठीक है तो मैं इसको सेव कर लूंगा आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो ये मैं आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भी दे दूंगा ठीक है यहां पर फिर भी इसकी बात की जाती है कि इलेक्शन में जो फ्री में ये लेने वाले लोग होते हैं ठीक है टीवी ले लिया कलर टीवी ले लिया ये ले लिया वो ले लिया तो ये कहीं ना कहीं अपना वेलफेयर तो करते हैं बट उसके साथ जो दूसरे सिटीजन होते हैं उनका वेलफेयर नहीं होता क्योंकि ये एक तरह से यार डाइवर्ट कर देते हैं और डेमोक्रेसी की जो कोर वैल्यू है उसको वायलेट करते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर अपने फायदे के लिए जो वोटिंग रिप्रेजेंटेशन है उसको वॉलेट कर रहे हो क्योंकि मेजर तो ये आना चाहिए ना जो अपने पाँच साल तक समाज में सुधार करे वेलफेयर स्कीम चलाए उसको आपको वोट देना चाहिए बट लेटर यहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो फ्री बीज से रिलेटेड है ठीक है मैं इसको जूम करके बताऊँ आपको फ्री ऑन द अदर हैंड आर प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट वोटर टू कास्ट दी वोट इन पर्टिकुलर इलेक्शन आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को दे दे क्रिएट लिमिटेड प्राइवेट बेनिफिट फॉर द रिसीवर सिर्फ रिसीवर को फायदा होगा जो ले रहा है वो भी लिमिटेड बेनिफिट है एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्ट्रेंथिंग पब्लिक गुड्स और फैसिलिटीज में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा राइट right? अब फ्रीबी का कल्चर कहाँ से शुरू हुआ फ्रीबी का कल्चर कुछ यहाँ से तमिलनाडु की सरकार से शुरू हुआ 1967 की असेंबली से कि आप हमें वोट दोगे तो हम एक रुपये तीन महीने तक का जो राशन है एक रुपये में आपको फ्री में देंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है फिर डेमोक्रेसी की कोर वैल्यूज को वॉलेट करता है यहां पर से हमारा एक चीज सामने आता है मिलके समझ में आता है राइट फिर से रिलेटेड है है उससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब नेक्स्ट है इंडिया रिस्पेक्ट यूएन क्लॉज राइट भारत रिस्पेक्ट करता है यूएन क्लॉज के राइट जो अधिकार हैं इंडिया कमिट करेगा जितने भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी हैं ऐसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा बात ये आती है कि मैं पूरा अगर वर्ल्ड दिखाऊं ना तो जितने भी ये समुद्र दिख रहे हैं आपको पूरे वर्ल्ड जितना भी मैं आपको शो कर रहा हूं जितने भी समुद्र आपको दिख रहे हैं पूरा पूरा वर्ल्ड की बात करता हूं तो हर देखिए हर एक समुद्र की जो लाइन है उस पर कानून बने हुए हैं जो कानून कौन तय करता है अब आप अगर फ्री ग्रुप के होंगे तो आप यूएन क्लॉज यहां पर लिख सकते हैं जैसे मैं लिखूंगा यहां पर यूएन क्लॉज ठीक है यूएन क्लॉज लिखा अगर आप पेड यूजर हैं तो डायरेक्टली आपको यूएन क्लॉज के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि आप प्राइवेट करंट नोट से जुड़े होंगे ठीक है अब यूएन क्लॉज पता चल गया क्या है तो यूएन क्लॉज को यहां से हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है इसको आज के बेसिस पे हम शेयर भी कर देते हैं प्राइवेट करंट नोट्स में और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर प्राइवेट करंट नोट्स से कैसे जुड़े ठीक है थीके? आपको यहां पर पेड मेंबरशिप लेनी पड़ती है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज की एक साल के लिए ठीक है एक साल तक ये फिर नोट्स आपको फ्री में मिलते हैं चलिए बात कर लेते हैं यूएन क्लॉज की ठीक है यूएन क्लॉस की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको मैं इमेज भी शो करता हूं ठीक है इमेज भी मैं आपको शो करूंगा ये देखो सबसे पहले ये इमेज है ठीक है अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये देखो लैंड है जमीन है जमीन से बार नॉटिकल माइल तक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है टेरिटोरियल सी जमीन से बार नॉटिकल माइल तक क्या कहलाता है टेरिटोरियल सी जमीन से ये लैंड है लैंड से 24 नॉटिकल माइल तक क्या कहलाता है कॉन्टिंग जोन ठीक है और जमीन से बार नॉटिकल माइल नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर ये चीज याद रखना तो ये नेशनल स्पेस ये नेशनल एयर स्पेस कवर करता है ये वाला ठीक है बार नॉटिकल माइल तक हमारी एयर स्पेस पे भी पूरी स्ट्रांग होल्ड है और लैंड स्पेस में भी बार नॉटिकल माइल तक

यहां पर अगर मैं जाता हूं यहां तक हमारा जो एयर स्पेस है ये पूरा हमारा होगा ठीक है लैंड स्पेस हमारा होगा फिर उसके बाद बार नॉटिकल के बाद की चीजें डिस्कस की जाती हैं अब इनको मैं कैसे समझाता हूं आपको यूएन क्लॉज से तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर विश्व के अलग अलग जगह पर हमको क्या बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के समुद्र के कानून बनाए गए हैं कि किसका अधिकार कहां तक होगा तो इसके चलते हुए ये कब बनाया गया 1982 में जहां पर किसी एक समुद्र के पानी को पांच चीजों में तोड़ा गया पहला है इंटरनल वाटर्स दूसरा है टेरिटोरियल सी तीसरा कॉन्टीग जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और लास्ट में है हाई सीज एक एक करके सब लोग जानते हैं टेरिटोरियल सी सबसे पहले इंटरनल वाटर आप सबको बताया बेसलाइन जो हमारी वही मिट्टी होती है लैंड वाला पार्ट होता है वो बेचलाइन होती है ठीक है वहां पर जितनी नदियां वगैरह बहती हैं वो भारत की होंगी अब टेरिटोरियल सी की बात करता हूँ जो टेरिटोरियल सी होता है ना वो बार नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है किसी एक जमीन से किसी जमीन से बार नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है और पर्टिकुलर एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है वन पॉइंट एट फाइव किलोमीटर और यहाँ पर भारत सरकार के ठीक है सरफेस के राइट तो होते हैं उसके साथ साथ इवन एयर स्पेस राइट भी होते हैं फिर आता है बार नॉटिकल माइल के बाद चौबीस नॉटिकल माइल तक लैंड से फैला हुआ है और टेरिटोरियल सी और हाई सी के बीच का ये रीजन है यहाँ पर टेरिटोरियल सी की तरह कॉन्टिग्रिया जोन में ये सिर्फ जरूडिक्शन देता है ओशियन सरफेस में ये एयर स्पेस राइट नहीं देता क्योंकि यहां से इंटरनेशनल राइट शुरू हो जाते हैं तीसरा जो पार्ट मैंने बताया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 सौ नोटिकल माइल तक फैला हो रहता है जनरली ये सॉवरन राइट right देता है हमें जो हम कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं ये यहाँ से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारा पूरा जो है होल्ड रहता है राइट right रहता है बट ऐसा नहीं कि ओशन सरफेस में एयर स्पेस में हमारा राइट right नहीं होगा फिर हाई सीज फिर बात की बात है वो कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल माइन काइंड ये सभी के लिए होते हैं हाई सीज ठीक है एक्सप्लोरेशन ये सब कर सकते हैं तो समझ में आ गया समुद्र के कानून क्या है बार नॉटिकल माइल तक नेशनल एयर स्पेस है मतलब जमीन तो जमीन अपना हवा भी अपनी होगी पर बार नॉटिकल माइल के बाद इंटरनेशनल स्पेस शुरू हो जाता है ठीक है जिसे कॉन्टिग जोन कहते हैं यहाँ फिर सिर्फ ओशियन सरफेस ओशियन सरफेस पर हमारा हक रहता है फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल बेस्ट लाइन से दो सौ नौ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम अपना ट्रेड करें अपने रिसोर्सेज लाए हो जाता है ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया चलिए अब बात करते हैं हमारा और ये वही है कि इंडो पैसिफिक जोन को हमारा नेविगेबल फ्री बनाया जाए ठीक है नेक्स्ट बात आती है जो मैं बात कर रहा था कि 50 परसेंट ही जनता को अभी हमारी क्या है कोविड की फर्स्ट डोज लगी है जो अगली जो जनता है उसको सिर्फ 21 है जिनको सेकंड डोज लगी है तो नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट सेकंड डोज वैक्सीनेशन तो यार मैं कहूंगा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी जी हैं जिन्होंने वेडनेसडे को कहा कि देयर वर मोर देन टेन करोड़ पीपल इन द कंट्री जिन्होंने सेकेंड डोज मिस की है मतलब सिर्फ इक्कीस परसेंट ही लोगों को सेकेंड डोज लगी राइट right? तो इसमें यहां पर यह बोला जाता है हर घर दस्तक तक एक कैंपेन चलाओ और जिसके बेसिस पर सेकेंड डोज दी जाएगी तो मैं यहां पर यही कहूंगा आपसे कभी भी सॉल्यूशन पूछे जाते हैं कि यार क्या करोगे सेकेंड डोज तो बहुत सारे कम लोगों को लगी है तो कैंपेन इज द बेस्ट आइडिया हर घर दस्तक कैंपेन का नाम है राइट right? अब आते हैं वर्ल्ड लेवल की न्यूज अडोप्ट कॉर्डियल अप्रोच ईरान टेल्स तालिबान अफगानिस्तान रोड मैप फॉर इंक्लूसिव अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा उस पर डिस्कस की जा रही है ईरान ने होस्ट किया है बट सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इंडिया अभी आया नहीं है इंडिया को पार्टिसिपेट करने को नहीं बोला है ऐसा बहुत सारे इश्यू हैं अभी मैं कहूँगा यार इंडिया और ईरान के जितने इशू जो है अच्छे रहे उतना फायदा है भारत को क्योंकि भारत तेल इम्पोर्ट करता है ईरान से बट इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी आप सबको पता है ईरान को प्रेसराइज किया गया ईरान को अभी भी ब्लैक लिस्ट में रखा है, के और इसके चलते हुए ईरान को प्रेसराइज करते हुए यहां पर बोला जाता है तो तो इंडिया हो भी गया था ईरान तो के बहुत सारे प्रोजेक्ट में इंडिया अभी नहीं है तो अभी जरूरत हमें ईरान के साथ मजबूती बनाने की ठीक है एंटीकूप प्रोटेस्ट चल रहा है सुदान में अभी हमारे विश्व में दो देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री कूप चल रहा है एक तो सुदान में ठीक है एक म्यांमार में मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है जो चुनी हुई सरकार है ना उसको हटा के जब मिलिट्री कब्जा कर लेती है तो उसे मिलिट्री कूप कहा जाता है सूडान में तो यार इकोनॉमिक क्राइसिस इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है है ठीक तो ट्राई ये करें कि आ, इन चीज को समझना एंटी कूप प्रोटेस्ट क्या होता है मिलिट्री की जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है चाइना ने टेस्ट की हाइपर सोनिक टेस्ट अक्लोज टू तो स्पुतनिक मूवमेंट यूएस जनरल ऐसा बोला गया दूसरा आपको कुछ यहां पर और करना है नहीं ठीक है न्यू हॉगकॉन्ग लॉ टू सेंसर ओल्ड मूवीज फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेज देखो जो एक नया कानून लाया गया जो कि ओल्ड मूवीज को सेंसर करेगा और अगर उसमें कुछ सिक्योरिटी वाले नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उसको हटा दिया जाएगा ठीक है तो आज का हमारा कंप्लीट न्यूज पेपर एनालिसिस हो चुका है ठीक है बिजनेस न्यूज में हमारा कुछ काम का नहीं है तो आज की न्यूज हम इतना ही डिस्कस करेंगे थैंक यू हैव नाइस डे बाकी किसी को क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं ठीक है किसी को क्वेश्चन पूछने इनिशियल में बफर किया बट बाद में ये क्लियर आया ठीक है चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे बाकी आपको आ, इसी ठीक है पी पब्लिकेशन के ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा डेली के बेसिस पे जो यूपीएससी मेन्स क्वेश्चन है वो मिल जाएगा और अभी का जो लाइव है जो आज की न्यूज़पेपर का जितना भी है लाइव इस लिंक को क्लिक करके आपको ये लाइव देखने को मिल जाएगा और दूसरा उसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे तीन ग्रुप पेड ग्रुप डिस्कशन जहां पर देखिए डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन हम करते हैं सभी के वॉइस एनालिसिस करते हैं प्राइवेट करंट नोट्स में डेली के बेसिस पर ये नोट्स आपको मिलेंगे प्राइवेट स्टडी मटेरियल में कुछ जो हाईलाइटेड न्यूज होती है वो आपको मिल जाती है तो ये सब एक साल तक फोर नाइन्टी नाइन आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ प्ले स्टोर में जाइए पी पब्लिकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी सभी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं साथ ही साथ में लूसेंट की क्लासेस चल रही है एक क्लास हो चुकी है इसको देख लो यार सब लोग ठीक है की क्लास देख लोगे तो आपको समझ में आएगा के कुछ फैक्ट चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे थैंक यू हैव हैवेनाइस